योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में आज 36वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन परमार्थ निकेतन ऋषिकेश द्वारा अतुल्य भारत पर्यटन संस्कृति और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से शुभारंभ किया गया। ये योग महोत्सव 14 मार्च तक चलेगा। इस 7 दिवसीय महोत्सव में 75 देशों से 1400 योग जिज्ञासु 25 देशों से 64 योगाचार्यों ने सहभाग किया है। इस अवसर पर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि आज विश्व महिला दिवस भी है। शिव व शक्ति दोनों का समन्वय ही इस सृष्टि का समन्वय है। दूरदर्शन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आज शिवरात्रि का महान पर्व है और आदि योगी हैं, लेकिन हमारे भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि दूरदर्शन है तो उनके पास दिव्य दर्शन की दृष्टि से उन्होंने पहचान लिया, इस देश को जो योग मिला है वो पूरे विश्व का उत्तर बन सकता है। तनाव है तो, समस्याएं हैं तो, बीमारी है तो, रोग है तो, स्ट्रेस है तो, इम्यूनिटी कमजोर है तो, अगर उत्तर है तो वो योग है। इसलिए आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर, जब शिवरात्रि का महोत्सव है और साथ ही साथ इंटरनेशनल वीमेन एम्पावरमेंट अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस मना रहे हैं, तब शिव और शक्ति इन दोनों का संगम ही सच मानिए देश का समाधान है। अपने अपने घर की शक्ति का सम्मान करो, उनको सामान नहीं चाहिए बल्कि उनको सम्मान चाहिए। अपने घर की शक्ति का सम्मान करो, अपनी शक्ति का सम्मान करो, और अपनी शक्ति का सम्मान है मेरा टैलेंट, मेरा टाइम, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी टेनासिटी हम अपने देश के लिए लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की निदेशक साध्वी भगवती सरस्वती जी ने भारत की बेहद सराहना करते हुए कहा कि भारत योग का सूत्र है जिसमें हर समस्या और जिज्ञासा का समाधान निहित है। जो टच और जो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, पूरा विश्व से आ रहे हैं। उसी टच, उसी ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे कोई भी समस्या, चाहे अपनी भीतर की समस्या, चाहे अपने परिवार में, चाहे समाज में, चाहे विश्व में, कोई भी समस्या, उसका समाधान योग है, उसका समाधान अध्यात्मता है। और इसलिए सभी लोग भारत की ओर मोड़ के आ रहे हर साल ज्यादा से ज्यादा लोग। अमेरिका से आए योगा शिक्षक टॉमी रोजेन ने कहा कि योग स्वयं की पुनर्प्राप्ति है और पुनर्प्राप्ति ही योग है। आई टीच योगा बिकॉज इट्स अ सॉल्यूशन दैट वर्क्स फॉर द चैलेंजेस ऑफ दीज टाइम्स। द चैलेंजेस आर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, एंड योगा एड्रेसेस ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस एट ऑल लेवल्स ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग्स being.